नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा नाटकीय मोड़ ये भी रहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद दिया गया। पहले तो फडणवीस सरकार में ही शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने डिप्टी का पद स्वीकार कर लिया। अब उस पूरे घटनाक्रम पर एकनाथ शिंदे ने बात की है। उनका कहना है कि मैं खुद पहले से हैरान रह गया था कि फडणवीस को डीएफडीपी का पद दिया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं अनबन भी दिखाई दे रही है, जहां एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच काफी कुछ सही नहीं दिखाई दे रहा है। जहां ये देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस एक साथ पार्टी में होने के बाद भी उनके बीच कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसके बारे में पार्टी भी समझ रही है। लेकिन इसी बीच हैरानी की बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की। वो बोले कि उनकी कड़ी मेहनत से मैं हमेशा प्रभावित हुआ हूँ। साथ ही फडणवीस के डिप्टी मुख्यमंत्री बनने पद की शपथ लेने पर शिंदे ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि वह शुरू में हैरान थे कि ऐसे टॉप पद पर बैठे शख्स को डिप्टी बनाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि जब उन्होंने मेरे नाम का ऐलान किया तो खुश थे क्योंकि उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन बाद में जब पार्टी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया तो वे थोड़े असहज थे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह अपने विधायकों को अयोध्या लेकर जाएंगे क्योंकि वह उनके लिए भावना का मसला है, साथ ही इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए सूबे में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को भी हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।